हेलो, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट। उसमें हम देखेंगे वैनिशिंग क्रीम। क्रीम विच स्प्रेड इजीली एंड सीम टू बी डिसअपीयर रैपिडली व्हेन रब ऑन द स्किन। वैनिशिंग क्रीम एक ऐसा क्रीम है, जब हम उसको स्किन पे लगाएंगे तो वो स्प्रेड इजीली होगा और डिसअपीयर होगा जब हम उसको रब करेंगे स्किन पे। फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट, क्या क्या फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट है फॉर वैनिशिंग क्रीम के लिए? पहला है मेन इंग्रेडिएंट। कौन सा मेन इंग्रेडिएंट है? उसका एग्जांपल है स्टीरिक एसिड, जो एक्ट एज लुब्रिकेंट। मेन इंग्रेडिएंट उसका एग्जांपल हमने देखा स्टीरिक एसिड, जो कि एक्ट करेगा लुब्रिकेंट से। सेकेंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यूज एज सॉफ्टनिंग एजेंट। ये एक ऐसा एजेंट है जो कि सॉफ्टन करेगा। एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वाटर एक्ट एज व्हीकल, ये व्हीकल एक्ट करेगा। फोर्थ ग्लिसरीन, यूज एज ह्यूमेक्टेंट। ग्लिसरीन जो कि यूज एज ह्यूमेक्टेंट। फिफ्थ परफ्यूम, उसका ऑर्डर, ऑर्डर के लिए परफ्यूम यूज किया जाता है। सिक्स है अमोनिया ग्लाइकॉल, अमाइनो ग्लाइकॉल, जो कि यूज किया गया है एमल्सिफाइंग एजेंट। सेवेंथ है मिथाइल पैराबिन, विच इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। फिर से हम एक बार डिवीजन कर लेते हैं क्या क्या फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट है। मेन इंग्रेडिएंट जो है वो स्टेरिक एसिड है, जो कि एक्ट करेगा लुब्रिकेंट के लिए। फिर सॉफ्टिंग एजेंट में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया गया है। फिर व्हीकल वाटर यूज किया गया है। फिर ग्लिसरीन ह्यूमेक्टेंट यूज किया गया है। फिर परफ्यूम के लिए ऑर्डर, ऑर्डर के लिए परफ्यूम यूज किया गया है। फिर अमाइनो ग्लाइकॉल जो कि यूज किया गया है एमल्सिफाइंग एजेंट। फिर प्रिजर्वेटिव के लिए मिथाइल पैराबिन यूज किया गया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम। फर्स्ट हमने देखा वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम एक ऐसा क्रीम है, जब हम स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो इजीली स्प्रेड होगा और डिसअपियर होगा जब हम उसको रैपिडली जब रब करेंगे स्किन पे। फिर हमने फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट देखा, उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो था वो स्टेरिक एसिड था, जो कि एक्ट करेगा लुब्रिकेंट पे। फिर सेकेंड हमने देखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्किन को सॉफ्टनिंग एजेंट करेगा। फिर वाटर जो कि एक्ट करेगा व्हीकल। फिर ग्लिसरीन ह्यूमेक्टेंट। फिर परफ्यूम ऑर्डर अमाइनो ग्लाइकॉल जो कि यूज एज इमल्सिफाइंग एजेंट। फिर मिथाइल पैराबिन विच इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। एडवांटेज ऑफ वैनिशिंग क्रीम, फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट कन्वीनियंट एंड इजी टू अप्लाई। जब हम उसको अप्लाई करें तो वो इजीली अप्लाई होता है। इट हेल्प टू कीप स्किन मॉइस्चराइज, ये एक ऐसा प्रिपरेशन है वैनिशिंग क्रीम का जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है। हेल्प टू स्किन फ्रेश, जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो स्किन एकदम फ्रेश रहती है। इट डज नॉट स्टिक, ये स्टिकीनेस नहीं प्रोवाइड करता है। फर्स्ट हमने उसका एडवांटेज देखा है, इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है कि ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है। थर्ड है ये स्किन को फ्रेश करता है। फोर्थ ये स्किन को ये नॉन स्टिक रहता है नेचर में। डिसएडवांटेज, ग्लिसरीन नॉट एक्सीडेड 10% लिड इनकॉर्पोरेट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड एनहांस स्प्रेडेबिलिटी। ग्लिसरीन जो कि हम 10% से ज़्यादा यूज करेंगे तो फिर ये इनकॉर्पोरेट करेगा और मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड एनहांस स्प्रेडेबिलिटी। करते हैं हम कॉस्मोसूटिकल इन वैनिशिंग क्रीम, कौन कौन से कॉस्मोसूटिकल इन वैनिशिंग क्रीम में होना चाहिए। फर्स्ट हमने देखा विटामिन ई, नूरिशिज द स्किन। विटामिन ए क्या करता है, स्किन को नूरिश कर देगा। फिर नीम ऑयल ट्रीट एक्ने, कोई भी एक्ने या फिर कोई भी स्किन इन्फेक्शन होगा तो ये नीम ऑयल यूज किया जाता है। विटामिन B3 लाइटेंस डार्क स्पॉट, जो भी स्पॉट और जो कि प्रेजेंट है स्किन में उसको विटामिन B3 रिमूव करेगा। एलोवेरा लीव स्किन सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज, एलोवेरा क्या करता है स्किन को सॉफ्ट करता है और मॉइस्चराइज करता है। फर्स्ट हमने देखा वो क्या बोलते हैं विटामिन ए, जो कि नूरिश करेगा स्किन को। फिर नीम ऑयल वो ट्रीट करेगा एक्ने को। विटामिन B3 जो कि डार्क स्पॉट है उसको लाइटन करेगा। एलोवेरा जो कि लीव स्किन सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज।